गुड मॉर्निंग एम बी ए सेकेंड सेम। आज जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज़ रिसर्च मैथोलॉजी, और रिसर्च मैथोलॉजी के अंदर हमारी जो यूनिट फर्स्ट है, अगर उसकी बात करें तो जो हमारी यूनिट फर्स्ट है उसके अंदर जो मॉड्यूल रहेगा हमारा दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू रिसर्च, और जो हमारे मॉड्यूल के अंदर जो लेक्चर नंबर फर्स्ट है मीन्स हमारे यूनिट फर्स्ट का जो लेक्चर फर्स्ट है उसके अंदर हम समझेंगे कि मीनिंग क्या है रिसर्च की। तो अगर हम देखें कि ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर रिसर्च मैथोलॉजी, ये बेसिकली एज है हम लोग एक मैनेजमेंट स्टूडेंट के बेसिस पे समझेंगे इन टॉपिक्स को। और अगर मैं देखूँ तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर अगर आप देखें कि किस तरीके से ये जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है, ये किस तरीके से एक मैनेजमेंट में यूज़ किया जाता है, तो अगर हम देखें तो जो रिसर्च मैथड्स हैं हमारे मैनेजमेंट के, तो अगर हम देखें तो इस सब्जेक्ट को अगर हम कहें तो ये रिसर्च मैनेजमेंट भी है। तो अगर हम देखें तो जो रिसर्च मैनेजमेंट है मीन्स रिसर्च प्लस मैनेजमेंट, तो अगर हम देखें तो मैनेजमेंट क्या है, अगर हम एक कॉमन वे में मैनेजमेंट के बारे में समझें तो मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हम लोगों से कैसे काम निकलवाएं। लेकिन अगर हम मैनेजमेंट को देखें, एक प्रॉपर मीनिंग देखें उसकी क्या है, तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जहाँ पर हम अपने काम को निकलवाने के लिए लोगों से एक ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर मैनर फॉलो कर रहे हैं, जिससे कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अल्टीमेट गोल्स को क्या कर सकें, फुलफ़िल कर सकें। साथ साथ अगर हम देखें तो जो मैनेजमेंट होता है वो आर्ट और साइंस बोथ होता है, मीन्स अगर हम कहें तो जो मैनेजमेंट है वो आर्ट्स भी है और साइंस भी है। और हम कहते हैं कि जिस तरीके से हम एक ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर मैनर से अपने अल्टीमेट जो गोल्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, उसको फुलफिल करने के लिए हम लोगों से किस तरीके से काम निकलवा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द मैनेजमेंट। और अगर हम देखें तो फिर रिसर्च का क्या मतलब है यहाँ पे, तो रिसर्च रेफर कर रही है जहाँ पे हम अपनी नॉलेज के रिगार्डिंग चीज़ों को सर्च कर रहे हैं, कि रिसर्च रेफर्स टू अ सर्च फॉर नॉलेज। जब आप अपनी नॉलेज के लिए कुछ चीज़ें सर्च करती है दैट इज़ कॉल्ड द रिसर्च। तो अगर हम देखें कि जो हम सर्च कर रहे हैं अपनी नॉलेज, वो हम किसी एक ऑब्जेक्टिव के लिए करते हैं, वो एक सिस्टमेटिक मेथड होता है जहाँ पे हम अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं रिसर्च की, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके रिगार्डिंग सॉल्यूशंस को ढूंढते हैं। और जब हम अपनी नॉलेज के लिए सर्च कर रहे हैं और उससे कोई ऑब्जेक्टिव हम डिसाइड कर रहे हैं जो जिसके अंदर हम एक सिस्टमेटिक मेथड से अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द रिसर्च। तो अगर हम देखें तो रिसर्च फॉर मैनेजमेंट क्या है, कि जो रिसर्च फॉर मैनेजमेंट है वो एक साइंटिफिक अंडरटेकिंग है जहाँ पे हम एक लॉजिकल और सिस्टमेटिक टेक्निक से अपने तीन एम्स को फुलफिल कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे वो तीन एम्स क्या हैं, पहला जो एम है हमारा वो है कि हम अपने रिसर्च के थ्रू नई फैक्ट्स को क्या कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं और वेरीफाई कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं हमारे एग्जिस्टिंग फैक्ट्स की। सेकेंड है कि अगर हमें अपने पर्टिकुलर डाटा को एनालाइज करना है एक प्रॉपर सिक्वेंस में, और वो डाटा किस तरीके से मेरे इंटर रिलेटेड हैं, तो उनका मैं कैसे तरीके से कैजुअल ऑब्जर्वेशन करूँगा, तो ये जो फिनोमिना है वो वर्ल्ड ऑफ मैनेजमेंट में देखा जाता है। तो अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने पर्टिकुलरली रिसर्च के थ्रू किस तरीके से हम अपने डाटा को एनालिसिस कर रहे हैं, अपने फैक्ट्स को एनालिसिस कर रहे हैं, किस तरीके से वो जो डाटाज हैं हमारे वो एक दूसरे के इंटर रिलेटेड है, जिसके अंदर हम एक कैजुअल ऑब्जर्वेशन के थ्रू क्या कर रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर रहे हैं जो कि हमारे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे। और लास्ट जो एम है दैट इज़ डेवलप न्यू कंसेप्ट टूल्स एंड टेक्निक्स, कि अगर हमें अपने नए कंसेप्ट टूल और टेक्निक्स को डेवलप करना है तो उसके लिए हमें क्या करनी होगी, किसी भी एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट में रिसर्च करनी होगी। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट टॉपिक है कि क्या पर्पज़ है हमारे रिसर्च का किसी मैनेजमेंट के अंदर। तो अगर हम देखें कि जो रिसर्च फॉर मैनेजमेंट है वो एक साइंटिफिक अंडरटेकिंग है जहाँ पे हम एक लॉजिकल और सिस्टमेटिक टेक्निक से कुछ एम्स को फुलफ़िल कर रहे हैं, मीन्स हम ऑब्जेक्टिव्स को अपने फुलफ़िल कर रहे हैं, कि वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपने न्यू फैक्ट्स को डिस्कवर कर रहे हैं, हमारे जितने भी एग्जिस्टिंग फैक्ट्स हैं उनकी टेस्टिंग कर रहे हैं, उनको एनालाइज कर रहे हैं, हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि क्या क्या कॉज हैं हमारी प्रॉब्लम्स के, क्या क्या सिक्वेंस है हमारे उन डाटाज के जो कि एक फिनोमिना के अंदर अपने क्या हैं, इंटर रिलेटेड हैं। और लास्ट है कि जब हम अपने पर्टिकुलर रिसर्च से किसी भी न्यू साइंटिफिक टूल्स को डेवलप करते हैं, उन टेक्निक्स को डेवलप करते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करते हैं, तो एक मैनेजमेंट के अंदर रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफ़िल किए जाते हैं इन एम्स के थ्रू। उसके बाद अगर देखें तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो एक क्वेश्चन है कि बिज़नेस रिसर्च की हम स्टडी क्यों करते हैं। तो अगर आप देखते हैं कि आजकल आप जो बिज़नेस देख रहे हैं जो कि किसी इकोनॉमी में ऑपरेट हो रहे हैं, तो अगर हम देखें कि एक डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट के लिए क्या करना होता है, हमें अपने बिज़नेस को ऑपरेट करना होता है, तो जो यूज़ है हमारी बिज़नेस रिसर्च का वो हेल्प करती है हमें कि हम किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स से डील करें, उन अपॉर्चुनिटीज़ से डील करें,
जो कि हमारी एक मैनेजमेंट डिसीजन की नीड है। तो जो मैनेजर्स हैं वो कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, उन इन्फॉर्मेशन को देखते हैं जिससे कि उनके पर्टिकुलरली मैनेजमेंट की जो क्वांटिटी है, जो क्वालिटी है, वो इंक्रीज और इनहेंस हो। तो जो बिजनेस रिसर्च है उसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें वेरियस ऑपरेशनल और प्लानिंग प्रॉब्लम्स को का सॉल्यूशन ढूंढना होता है जो कि एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अराइज होती है। कि जो बिज़नेस रिसर्च है उसका यूज़ हम तब करते हैं जब हम अपने जो भी प्रॉब्लम्स अपने ऑपरेशनल और प्लानिंग से रिलेटेड आ रही हैं जो कि एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अराइज हो रही है, उनके सॉल्यूशन के लिए हमें उस पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिज़नेस रिसर्च करनी होती है। तो अगर हम देखें तो जो प्रॉब्लम्स हमारी रिलेटेड हैं हमारे पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से, लाइक मार्केटिंग, फिनेंस, एचआर एंड मैन्युफैक्चरिंग, तो अगर हम देखें कि जो हमारे बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो अगर हम देखें तो बिज़नेस रिसर्च की 3 मेजर फॉर्म्स होती हैं। पहली क्या है, मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च क्या है, जहाँ पे एक रिसर्च का क्या एम होता है कि वो उस मार्केट प्लेस को समझे, उनको एग्जामिन करे जहाँ पे हमारी कंपनी ऑपरेट होगी। तो मार्केट रिसर्च के अंदर हम उस मार्केट प्लेस को देखते हैं जहाँ पे हमारी कंपनी ऑपरेट होगी, और वहाँ पे साथ साथ हम उन चीज़ों को भी देखते हैं एक रिसर्च के थ्रू जहाँ पे मैं अपने रिसोर्सेज को इजीली अवेलेबल करवा सकूँ और उनका यूज़ कर सकूँ अपने बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। तो मैं अपने कंपनी को उसी मार्केट प्लेस में ऑपरेट करूँगा जहाँ पे मुझे इजीली रिसोर्स अवेलेबल हो जाएं। नेक्स्ट क्या है हमारा, दैट इज़ ऑपरेशंस रिसर्च। कि अगर हम देखें कि जो ऑपरेशन रिसर्च है उसके अंदर हम इन्वॉल्व करते हैं उसके यूज़ को एक मैथमेटिकल, लॉजिकल एंड एनालिटिकल मेथड से, जहाँ पे हम उसके अपने बिजनेस प्रॉब्लम्स के ऑप्टिमम सॉल्यूशंस को ढूंढते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि जो ऑपरेशन रिसर्च होती है उसका एक प्राइमरी यूज़ क्या है, कि जब हम अपने पर्टिकुलर कस्टमर्स की डिमांड को फॉरकास्ट करें कि हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या डिमांड है, हमारे कंज्यूमर्स की क्या डिमांड है, तो उसके लिए हमें अपनी डिमांड को फॉरकास्ट करना होता है। हम अपने प्रोडक्शन को किस तरीके से ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट के जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका आउटपुट डिसाइड कर सकते हैं, और साथ साथ हमारे बिज़नेस के कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन हैं जो कि हमें ढूंढने होते हैं। तो ऑपरेशन रिसर्च के अंदर का जो प्राइमरी यूज है वो डिमांड को फॉरकास्ट करना होता है, प्रोडक्शन के ऑप्टिमाइजेशन को देखना होता है, और हमारे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को ढूंढना होता है। नेक्स्ट क्या है हमारी, दैट इज़ मोटिवेशनल रिसर्च। कि अगर हम मोटिवेशनल रिसर्च की बात करें तो इसके अंदर इन्वॉल्व है वो सारी चीज़ें जिसमें हम अपने रीजंस को एनालाइज करते हैं, उन मोटिव्स को देखते हैं जो कि पीपल के बिहेवियर के पीछे होते हैं। तो जो मोटिवेशनल रिसर्च है उसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें ये समझना हो कि कंज्यूमर का बिहेवियर और एम्प्लॉय का बिहेवियर किस तरीके का होता है। तो मोटिवेशनल रिसर्च के अंदर हम देखते हैं कि कंज्यूमर्स का बिहेवियर क्या है, हमारी सेल्स क्यों डाउन है किसी बिज़नेस की, कंज्यूमर की क्या नीड एंड वांट्स हैं, और जो कंज्यूमर का माइंड है वो किस तरीके के प्रोडक्ट्स की डिमांड कर रहा है। एम्प्लॉय का बिहेवियर देखें तो एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए हमें क्या क्या टूल्स यूज़ करने चाहिए, कौन कौन से मोटिवेट फैक्टर्स हमें यूज़ करने चाहिए, और अपने एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को बनाए रखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, तो वो एक मोटिवेशनल रिसर्च से ही हमें पता लग सकती है, उनके बिहेवियर के बारे में हमें पता लग सकता है। इसके बाद देखें तो जो लास्ट टॉपिक है हमारे इस लेक्चर का, दैट इज़ पर्सनल कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्चर। कि रिसर्चर के क्या क्या पर्सनल कंपोनेंट्स होते हैं, अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि क्या क्या क्वालिटीज़ होती है एक गुड रिसर्चर की। तो जो पहला पॉइंट है दैट इज़ द साइंटिफिक इमेजिनेशन एंड एटीट्यूड। कि अगर हम देखें कि जो एक अच्छा रिसर्चर होता है उसकी एक साइंटिफिक इमेजिनेशन होती है, एक एटीट्यूड होता है। तो एक रिसर्चर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, कि जो भी वो ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रहा है अपनी रिसर्च के लिए, तो उसका एक साइंटिफिक इमेजिनेशन होना चाहिए, उसका एक एटीट्यूड होना चाहिए जिससे कि वो अपने अनबियस्ड व्यू जो भी प्रॉब्लम है उनको ले सके। नेक्स्ट क्या है, कि जो एक गुड रिसर्चर होता है उसके अंदर एक एनालिटिकल एबिलिटी होती है, नॉलेज होती है उन टेक्निक्स की जो कि एक रिसर्च के अंदर यूज़ की जाती है। कि अगर एक रिसर्चर है उसके अंदर अगर एनालिटिकल एबिलिटी है, रिसर्च की जितनी भी टेक्निक्स है उनकी नॉलेज है, तो मीन्स वो रिसर्चर क्या है, बहुत अच्छा है, गुड है। उसके बाद अगर हम बात करें तो थर्ड जो पॉइंट हमारा है वो है रिसोर्सफुलनेस। कि अगर हम रिसर्चर की बात करें कि एक गुड रिसर्चर की क्या क्वालिटी होती है, तो जो रिसर्चर है वो हमेशा रिसोर्सफुलनेस होना चाहिए, मीन्स कि वो अपनी इंफॉर्मेशन, अपने डाटास को आइडेंटिफाई करें, उनको कलेक्ट करें। तो अगर
वो जो भी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढ रहा है और उनकी उससे रिलेटेड उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो कि उसके लिए काम की है, कौन सी इन्फॉर्मेशन जो उसके लिए ठीक नहीं है, किस तरीके से वो अपनी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा अपने डिफरेंट डाटास के थ्रू। तो अगर रिसोर्स, अगर एक रिसर्चर इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहा है तो दैट मीन्स इट इज़ अ रिसोर्सफुलनेस। इसके बाद अगर हम देखें तो लास्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, स्टैटिकल स्किल्स। कि अगर हम एक गुड रिसर्चर की बात करें तो उसके अंदर एक मेन जो स्किल्स होते हैं दैट इज़ द स्टैटिकल स्किल्स, कि वो अपने जो भी डाटा, जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है उनको वो किस तरीके से क्लासीफाई कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, जो एक रिसर्चर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम कहते हैं एक रिसर्चर के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या होनी चाहिए, कि उसके पास एक सुपीरियर स्टैटिकल स्किल्स होनी चाहिए जिससे कि वो अपनी इन्फॉर्मेशंस को, अपने डाटास को इस तरीके से क्लासीफाई करे जिससे कि वो अपने रिप्रेजेंटर को उसकी एक क्लियर पिक्चर दिखा सके। और लास्ट है प्रसिस्टेंस, कि अगर हम रिसर्चर की बात करें तो रिसर्चर की क्या करेक्टराइज होती है, कि वो एक नेचुरल क्यूरियोसिटी के अंदर अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनके रिगार्डिंग मोटिवेट होता है, और उस प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग जो वो मोटिवेट होता है तो वो उन कॉन्क्लूजन्स को देखता है जो कि उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं, उन सॉल्यूशन से रिलेटेड होते हैं जो कि हमें सामने वाले को बतानी होती है। तो अगर रिसर्चर प्रसिस्टेंस होगा तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलरली प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम समझेगा और उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाएगा कि एज ए वो उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस तरीके से देखेगा कि जिससे कि जो उसके कॉन्क्लूजन है वो लोगों के लिए काम आ सके। तो आज का जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको क्या क्या सिग्निफिकेंस है रिसर्च के वो समझाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।